पचदेवरा पुलिस ने किशोरी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें आरोपी पिता ने शातिरपन से वारदात को अंजाम दिया, फिर भाई और भाभी समेत चार लोगों को फंसाने के लिए पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिचौली गांव में 1 जुलाई को एक किशोरी का खेतों में शव पड़ा मिला था। एएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया था, जिसके बाद किशोरी की शिनाख्त मोहिनी पुत्री अनकपाल निवासी हथौड़ा के रूप में हुई थी। पिता अनकपाल ने अपने भाई और भाभी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि पिता अनकपाल ने ही अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी अनकपाल सिंह उर्फ अन्नू पुत्र चैन सिंह को हथौड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनकपाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी की प्रेम प्रसंग के शक में हत्या कर दी। घर में कुत्ते का खून डालकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हुआ किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? ये जनपद में थाना पचदेवरा में लगभग 6 दिन पूर्व एक अवयस्क बालिका का शव मिला था, जिसको गले से धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। और उसके संबंध में उसके पिता द्वारा अपने भाई, उसकी पत्नी और गांव के 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR कराई थी। घटनाक्रम और जो शव की स्थिति थी और जो अन्य पूछताछ की गई, उसके अनुसार पुलिस को काफ़ी शक था कि घटना किसी परिवार के सदस्य ने की है, करीबी व्यक्ति ने की है। और गहनता से पूछताछ की गई, मुखबिर मामूर किए गए, वैज्ञानिक पद्धति से भी इंट्रोगेशन हुआ हमारे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और उनकी टीम द्वारा। तो इसमें यह जानकारी मिली कि इसमें कहीं न कहीं जो वादी है, मृतका का पिता का ही हाथ है। इसको आज हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अपने भाई की पत्नी के अवैध संबंध हो, स्वयं उसकी पत्नी के उसको छोड़कर कहीं चले जाने, वह इसकी बालिका के किसी लड़के से बात करने आदि को लेकर के उसने इसकी हत्या करने का निर्णय लिया और गांव से बाहर ले जा करके पहले उसका गला कस के मारने का प्रयास किया, फिर धराती से उसकी हत्या कर दी।